हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे प्रभात तो कब की हो चुकी है। पंख पखेरू सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा। और तेरे बाबा तो गोष्ठ में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। देख अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा रही है कि आओ कान्हा मधुबन चले। सच्ची मैया, इतनी देर हो गई। फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। स्नान तो हम यमुना जी में ही कर लेंगे, और कलेवा तू बांध के दे देना। बांध के दे दू, जिसे तू अपने सब सखाओं को खिला दे और स्वयं भूखा रह जाए। मैया तुझे तो केवल मेरी भूख की चिंता है, परंतु मुझे सबकी भूख की चिंता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो। अरे गोकुल के वीरो, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो। तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा, ये बगुला नहीं कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा। चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। जागो मैया के प्यारे ललना, जागो नंद दुलारे ललना, जागो जग उजियारे ललना, जागो जीवन प्राण हमारे, जागो मैया के प्यारे ललना, जागो नंद दुलारे ललना, जागो जीवन प्राण हमारे।
जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे प्रभात तो कब की हो चुकी है। पंख पखेरू सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा। और तेरे बाबा तो गोष्ठ में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। देख अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा रही है कि आओ कान्हा मधुबन चले। सच्ची मैया इतनी देर हो गई? फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। अरे लखुटी वो रही। और कमरी वो रही। मैया श्रीदामा और मनसुखा को कहना कि मैं क्षण भर में आता हूँ। अरे तनिक रुको तो, पहले शौचालय से निवृत्त होके स्नान कर लो और फिर कलेवा खा लो। नहीं नहीं मैया, स्नान तो हम यमुना जी में ही कर लेंगे। और कलेवा तू बांध के दे देना। बांध के दे दूं? जिसे तू अपने सब सखाओं को खिला दे और स्वयं भूखा रह जाए। मैया तुझे तो केवल मेरी भूख की चिंता है, परंतु मुझे सबकी भूख की चिंता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया है। क्या? उन सबको प्रभात का कलेवा मिल गया है। वो सब बाहर आंगन में बैठे माखन मिश्री के साथ खा रहे हैं। मैया तुम कितनी अच्छी हो। और मैंने दोपहर के खाने के लिए अलग से छीका बांध दिया है। पता है मैया, सब ग्वाल बाल जो कुछ अपने अपने घर से खाने के लिए लाते हैं, हम सब इकट्ठा करके मिला लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाते हैं। अच्छी बात है, तुम शौचालय से निवृत्त हो जाओ, मैं रसोई में तुम्हारे लिए कलेवा परोसती हूँ। भगवान का प्रसाद? छी गंदे मुंह कोई भगवान का प्रसाद खाता है क्या? मेरी भोली मैया, शरीर गंदा है मन तो पवित्र है। बस मन पवित्र हो तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तू पूछ ले अपने भगवान से, उन्हें पवित्र शरीर वाले भक्तों से पवित्र मन वाले भक्त अधिक प्रिय लगते हैं। हाँ छी। Thank you.
बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। भागो। अरे गोकुल के वीरो, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता।